बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट लेसन नंबर 5 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटी इन द एग्जाम्स, दैट इज वेरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंफ्यूजन विच अपसेट्स फ्रेमटर्निटी। ब्रीफली स्केच हर कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि वेरा ही उस तमाम कन्फ्यूजन की जिम्मेदार है जो मिस्टर फ्रेमटन को लिटिल को अपसेट कर देता है। उसके करेक्टर एक स्केच को डिस्क्राइब कीजिए और गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ वेरा मिसेस सेपल्टन्स नीस। उसका करेक्टर भी क्वेश्चन आ सकता है या द फाइनल सेंटेंस ऑफ द स्टोरी, या वेरी फेमस सेंटेंस रिमेंस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, वाट इज इट्स सिग्निफिकेंस डिस्कस। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसको डिस्कस कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो वाट इज रोमांस। अकॉर्डिंग टू मेरी एम वेबस्टर डिक्शनरी, इट्स अ मिडिवल टेल बेस्ड ऑन लेजेंड शिवेलरिक लव एंड एडवेंचर और द सुपरनेचुरल। यानी कि अगर इसमें कहानी जिसमें पुराने ज़माने या देवमालई अंसर मौजूद हो, यानी कि इसमें एक बहादुरी की दास्तान हो, मोहब्बत हो, मुहिम जोई हो या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मौजूद हों, उसको भी रोमांस कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रोज नैरेटिव ट्रीट इमेजिनरी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन इवेंट्स रिमोट इन टाइम और प्लेस एंड यूजुअली हीरोइक एडवेंचरस और मिस्टीरियस। ऐसी कहानी जिसमें तमाम के तमाम किरदार जो हैं वो तसव्वुराती होते हैं, उसमें ऐसे वाक़यात शामिल होते हैं, वक्त और जगह शामिल होती हैं जो आमतौर पर हीरोइक होती हैं, एडवेंचरस मुहिम जोई पर मबनी होती हैं और मिस्टीरियस पुरअसरार होती हैं, उसको हम रोमांटिक टेल कहते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज समथिंग एज एन एक्स्ट्रावेगेंट और अ स्टोरी और अकाउंट दैट टेकल्स बेसिस इन फैक्ट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रोमांस। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द शॉर्ट स्टोरी द ओपन विंडो, when the narrator of the open window says that romance at short notice was her speciality, यानी जब ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है सेंटेंस पे, दिस सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें फ़ौरन से ख्याल आता है इट मीन्स दैट वीरा वाज अडेप्ट इन मेकिंग अप एक्स्ट्रावेगेंट स्टोरीज फुल ऑफ मिस्टीरियस इवेंट्स, कि जनाब वीरा जो है ना वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहानियों को पूरे इसरार अंदाज में बयान करने में माहिर है, नो डाउट। तो ये उसके बारे में सेंटेंस कहा जाता है। बाकी किरदार इसमें ऐसे नहीं हैं जो मिस्टीरियस हों या जो अडेप्ट हों स्टोरी में, फैब्रिकेशन ऑफ स्टोरी में। तो वीरा इज़ वेरी मच एक्सपर्ट इन कंकॉक्टिंग स्टोरीज बनाने में वो माहिर है, नो डाउट। वीरा लाइक्स दैट काइंड ऑफ रीडिंग मटीरियल हरसेल्फ, उसको इस किस्म की किताबें पढ़ना भी पसंद है। वीरा इज़ ऑब्वियसली बोर्ड विद हर कन्फाइनमेंट इन एन इंग्लिश कंट्री मैनर एंड मस्ट बी इंडल्जिंग इन एस्केपिज्म इन हर रीडिंग एज वेल एज इन हर ओन इमेजिनेशन। अच्छा, वो क्योंकि गाँव में रहती है और एक क्लोज एनवायरनमेंट है, तो शायद वो उससे स्केप करना चाहती है, इसलिए वो अपने आप को जो है ना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती रहती है और इस किस्म की कहानियाँ जो है ना वो बनाती रहती है। वी कैन से दैट अपेरेंटली अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ रोमांस इज फैंटेसी, एक इसका मतलब फैंटेसी भी होता है तो तसव्वुराती दुनिया, दैट इज़ क्रिएटिविटी एंड द एबिलिटी टू मेक अप थिंग्स अप, यानी तख्लीक करना और ऐसी सलाहियत की जिसमें हम नई नई चीज़ें तख्लीक कर सकें, खुद से कहानियाँ घड़ सकें। द गर्ल कैन टर्न रियली बिलीवेबल लाइज रियली क्विकली विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट इट, सो दैट्स वाई इट इज़ हर स्पेशलिटी। तो वीरा जो है उसकी एज 15 ईयर्स है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इस मामले में चाको चौबंद है, क्विक है, शी इज़ क्विक एट हर वेट्स, फ़ौरन से नई कहानी बिना चुटकी बजाती बना लेती है और दूसरों को जो है ना अपने झूठ पे यकीन करने पे दूसरों को मजबूर कर देती है, जैसे इसमें बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है मिस्टर फ्रेमटन लिटिल की। सो इट इज़ हर आर्ट, शी इज़ क्रिएटिव, वी कैन से दैट। वीरा इज़ द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी एज वेल, वो जो इसमें सेंट्रल करेक्टर भी है। शी इज़ मिसेस सेपल्टन्स नीस, शी इज़ यंग स्मार्ट एंड एक्टिव, शी इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, हर पेरेंट्स हैव डाइड एंड शी इज़ लिविंग विद हर एंट, वो अपनी खाला के साथ रह रही है। शी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी, हर करेक्टर कैन बी स्टडीड एज वे हाईली इमेजिनेटिव, ग्रेट, शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, एबनॉर्मेलिटी इन हर करेक्टर, ठीक है। शी इन्वेंट्स टू स्टोरीज ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, वो एक लम्हे में दो कहानियाँ बना लेती है। कौन सी कहानी? वन शी टेल्स दैट मिस्टर फ्रेमटन लिटिल, एक तो मिसेस मिस्टर फ्रेमटन लिटिल को कहानी सुनाती है व्हेन दे फर्स्ट मीट, जब उनकी पहली मुलाकात होती है।
शी ओनली हैज़ अ फ्यू मिनट्स बिफोर हर एंट विल अपीयर, यानी जब वो नीचे कमरे में खड़ा होता है, वीरा आके उसे मिलती है, वेलकम करती है, तो सिर्फ चंद मिनट होते हैं एंड टेक्स ओवर अ होस्टेस, और वो जो है मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती है, लेकिन उसी चंद मिनटों में वो खड़े खड़े कहानी उसको सुना देती है बना के। ड्यूरिंग दैट टाइम वीरा टेल्स नेटल हाउ हर एंट्स हस्बैंड एंड टू ब्रदर्स वर सक्ड इनटू अ बॉग 3 years अगो एंड नेवर सीन अगेन। हर स्टोरी सेट्स फ्रैम्पटन अप टू बिलीव दैट शी इज सीइंग होस्ट व्हेन द 3 men अपीयर आउटसाइड हेडेड टुवर्ड्स द ओपन विंडो। देन एट द एंड वीरा इन्वेंट्स अनदर थर्ड स्टोरी टू एक्सप्लेन फ्रैम्पटन नेटल्स सडन डिसअपीयरेंस। फिर एंड पे भी ये कहानी बना लेती है फ़ौरन से, जब फ्रैम्पटन नेटल उनके घर से दौड़ जाता है, भाग जाता है। A most extraordinary man, a Mr. Nuttall, said Mrs. Sappleton, would only talk about his illness and dashed off without a sort of word of goodbye or an apology when she arrived. One would think he had seen a ghost. तो मिसेस सेपलटन को बड़ा अजीब लगता है, उसे कहती है कि ना तो उसने प्रॉपर से हमें खुदाफिज़ कहा है, ना ही उसने हमें शुक्रिया अदा किया है, तो इतनी भी क्या बीमारी कि फ़ौरन से भाग गया है जैसे उसने कोई जिन भूत देख लिया हो। आई एक्सपेक्ट इट वॉज अ स्पैनियल, सेड डेनिस कामली। तो वीरा कहती है मेरे ख्याल से ये हमारा स्पेनियल डॉग था जिसने उसे खौफजदा कर दिया। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, उसने मुझे बताया था कि वो डॉगी से खौफजदा है। ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ सिमेट्री एंड समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंग्स बाय अ पैक ऑफ फेरियर डॉग्स एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद द सिल्वेचर स्नॉर्लिंग एंड ग्रिनिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम एनफ टू मेक एनीमल लूज देयर नर्व्स। तो वो कहती है जनाब एक दफ़ा वो शिकार के लिए गया था कब्रिस्तान में, तो वहाँ पे उसके पीछे डॉगी लग गए, तो वहाँ पे एक नई कवर खोदी गई थी, उसमें पूरी रात जो है ना वो गुजारना पड़ी उसे। सो वी कैन से दैट वीरा इज़ एन इमेजिनेटिव गर्ल, शी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ फैंसीफुल थिंकिंग, शी कैन नीट अ टेल एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। द राइटर सेज अबाउट हर रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। ठीक है, वीरा इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, शी क्रिएट्स अ स्टोरी व्हेन शी ऑब्जर्व्स द मेंटल कंडीशन ऑफ ए पर्सन, यानी वो अगले शख्स की दिमागी कैफियत का अंदाज़ा लगा लेती है और फौरन से कहानी बना लेती है। शी ऑब्जर्व सिचुएशन वेरी क्विकली। फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट द ट्रेजडी ऑफ थ्री फीमेल करेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड अर्ली। वीरा इज़ वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट गर्ल, व्हेन शी कम्स टू नो दैट फ्रैम्पटन हैज़ कम टू स्टे देयर शी मेक्स प्लान टू फ्राइटन हिम। तो फौरन से उसके दिमाग में आया जी इसे तो ये मेरा शिकार है, इसको खौफजदा कर देती हूँ। उसको ये भी पता है कि फ्रैम्पटन इज़ नील पर्सन विद नर्वसनेस, शी करेक्टली हिट सिम ऑन हिज वीकनेस, उसकी कमजोरी को वो निशाना बनाती है और उसे खौफजदा कर देती है। सो वी कैन से दैट देर इज़ अनदर काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन हर कैरेक्टर एज वेल। देर इज़ अ टच ऑफ एबनॉर्मेलिटी, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ विद आउट द लव ऑफ पेरेंट्स, उसे वालदैन की मोहब्बत मैसर नहीं होती, दैट शी हैज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन हर कैरेक्टर, उसके किरदार में जो है ना तसलसल नहीं है। हर आंट कांट बी टू द सब्सटीट्यूट ऑफ हर मदर, उसकी आंटी चाहे जितनी भी मोहब्बत करें उसकी माँ की नेमल बदल नहीं हो सकती। शी इन्वेंट्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ हर आंट इन द रिलेशन टू हर ओन ट्रेजिक स्टोरी दैट शी हैज़ नो पेरेंट्स, वो आंटी की जो स्टोरी है अलमिया बनाती है क्योंकि उसकी अपनी स्टोरी में उसके अपने पेरेंट्स नहीं होते। बट डिस्पाइस ऑफ हर वीक पॉइंट शी सीम्स टू बी सिंपथाइज्ड, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शी सीम्स टू बी सिंपथाइज्ड, उसके साथ जो है ना हमदर्दी होनी चाहिए। We can say that Veera has a well-balanced personality. She achieves the desired effect out of her actions. Without her role, the story looks hollow piece of literature. उसका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये कहानी जो है ना बिल्कुल हमें हॉलो लगती है। वी कैन कंक्लूड आर आंसर बाई सेइंग दैट वीरा इज एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट क्रिएटिव गर्ल, येट शी मस्ट हैव गॉटन सम हेल्प फ्राम हर रीडर्स व्हेन शी इन्वेंटेड द स्टोरी अबाउट अ मैन बीइंग हंटेड बाय अ पैक ऑफ फेरियर डॉग्स। उसने जो किताबें पढ़ी होती हैं तो हमें लगता है जी उसमें से भी कुछ आंसर जो है ना उसने शामिल कर दिया अपनी कहानी मेकिंग में। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इज इनएविटेबल फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, इन इट्स एब्सेंस द एंटायर स्टोरी वुड हैव बीन ओनली अ फेक ऑफ घोस्ट। ओइंग टू द लास्ट सेंटेंस वी कैन से दैट अ ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी एट वंस बिकम्स कलरफुल, इससे वीरा ही है जिसकी वजह से ये कहानी जो है ओपन विंडो ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल लगती है और रीडर्स अपना इंटरेस्ट एंड तक बरकरार रखते हैं। So this is the end of the lecture. I hope you have got all the explanation. Stay tuned till next lecture. Take care of yourself and your families. Remember me and your peers. Allah Hafiz.